अस्सलाम वालेकुम मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा आलू कीमा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक किलो लिया है हमने कीमा, आधा किलो हमने लिए थे आलू, इनको हमने पील ऑफ करके क्यूब्स में कट कर लिए, और दो दरमियाने साइज़ के लिए थे हमने प्याज, इनको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, और टमाटर लिए थे हमने दो दरमियाने साइज़ के, इनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है, लहसुन और अदरक लिया था हमने, और सब्ज़ी मिर्च ली थी इनको भी हमने कट कर लिया है, एक प्याली हमने लिया था दही, उसके अलावा हमने लिए थे साबुत गरम मसाला जात, उसमें थे दो तेज़पात, दालचीनी ली थी हमने, लौंग, काली मिर्च, धनिया, धनिया को हमने हाथ पे क्रश कर लिया था ठीक है, और ज़ीरा, जवित्री और बड़ी इलायची ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ली थी गरम मसाला जात में। उसके अलावा नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, और हल्दी हमने ली थी 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च हमने ली थी हमने 1 टेबल स्पून, गरम मसाला हमने लिया था 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हमने लिया था 1/2 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्च जो गोल वाली होती है वो हमने ली थी 6 अदद, और पानी हमने लिया था 2 कप ठीक है जी, और ऑयल हमने लेना है इसको भूनने के लिए ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक लेना है हमने बर्तन, उसमें हमने अपना जो कीमा था अपना नहीं मतलब बीफ का जो कीमा था वो ठीक है समझ रहे हैं ना वो ऐड कर देना है, और उसके अलावा हमने लहसुन अदरक सब मिर्चें प्याज गरम मसाला जात, और उसके अलावा साबुत लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे ठीक है, और साथ में हम 2 कप जो पानी था वो भी ऐड कर देंगे। देखिए जनाब अब हमने इसमें ऐड कर दी है दड़ा मिर्च, हल्दी, नमक और जो साबुत लाल मिर्च है वो ऐड कर देंगे, और जनाब 2 कप पानी भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाला जात आपस में मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए, 40 मिनट में हमारा जो ये है बीफ का कीमा ये अच्छे से गल जाएगा ठीक है। और अच्छा कीमा जो है वो मैंने हाथ का बनवाया था, जो मशीन वाला होता है वो नहीं लिया था ठीक है, और अब हम इसको ढक के रख देंगे 40 मिनट के लिए ठीक है जी, और अब हम मिलते हैं आपको 40 मिनट के बाद। तो जनाब अभी देखिए, ये देखें जी, अभी तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि धुआं 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 हो रहा था, तो ये देखें जनाब ये हमारा जो कीमा था ये अच्छे से टेंडर हो गया, पानी इसमें अच्छे से ड्राई हो गया, और अब हमने क्या करना है, 2 खाने के चम्मच खाना बनाने वाले जो चम्मच है वो हमने इसमें ऑयल डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो जनाब अभी कीमे की भुनाई करते हुए साथ में ही हमने जो आलू क्यूब्स में कट करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे ठीक है, ताकि वो भी साथ में इसमें जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो अभी हम भुनाई कर रहे हैं, और हमने क्या करना है कि जो गरम मसाला और धनिया पाउडर था वो हमने इसमें ऐड कर देना, और फिर हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ठीक है। तकरीबन 10-15 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे, और जनाब यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लगा तो मैंने 1/2 स्पून जो वो और ऐड कर दिया ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि जो एक प्याली हमने दही लिया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है, अच्छी तरह से इसको फेंट के ठीक है। तो अब हम इसकी फिर दोबारा से भुनाई करेंगे, तकरीबन 10-15 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे, और बस फिर हमारा और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाए ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे भुनाइयाँ हो रही हैं। अच्छा जी, जब तक कीमे की भुनाई हो रही है तब तक आप लोग जल्दी से जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप उसको देख लें ठीक है। तो जनाब अब भुनाई हो गई थी, और अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस 1/2 कप ऐड कर देंगे ठीक है, और फिर हमने 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देना, और फिर उसके बाद ये देखिए हमारे जो आलू की है इसकी फाइनल लुक अभी नहीं, अभी फाइनल लुक मैं एंड पे दिखाऊंगी। तो जनाब बस इसी तरह का हमें चाहिए, और अब हमने क्या करना है कि अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और कुछ जो है वो हम गार्निश के लिए रख लेंगे, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, और सब्ज़ मिर्चें भी हम इसमें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे, इनका बहुत मज़े का टेस्ट आता है ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे मिक्स, और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। और जनाब थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसमें जो है वो स्प्रिंकल कर दिया ठीक है, और अब हम इसको मिक्स करते हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको इनकी फ़ाइनल लुक।
तो जनाब ये है हमारे आलू कीमा की फ़ाइनल लुक। तो अब आप लोग देखें, इंजॉय करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कैसे लगी मेरी रेसिपी। तो जनाब आऊँगी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली का और स्पेशली मेरे मामा के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।